morning students, today we will start exercise 3.3 of chapter 3, playing with numbers. So in the previous video we have exercise 3.3 ka question first discuss kar chuke hain, jo hamara table test tha upar humne divisibility test ka use karte hue find out kara tha ki which of the following number are divisible by 2 3 4 5 6 8 9 10 11 aur jo divisible the unke aage likha tha yes jo divisible nahi the unke aage likha tha no. Now let's come to the question number second. हम इस वीडियो में क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 और 8. ठीक है, हमें नंबर्स गिवन होंगे, हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करते हुए ये बताना है कि वो नंबर डिविजिबल है 4 से या फिर 8 से. मतलब वो नंबर डिविजिबल है क्या 4 से? अगर 4 से है तो हम लिखेंगे यस, और अगर वो 4 से नहीं है तो क्या लिखेंगे? नो. ठीक है, तो फर्स्ट हम चेक करते हैं 572 को, है ना, डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करना है और डिविजिबिलिटी देखनी है इसकी 4 और 8 से. तो 572 हमारे पास नंबर है. जब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ रहे थे तब हमने हर एक नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था जिसमें हमने 4 और 8 का भी पढ़ा था. 4 का क्या होता था डिविजिबिलिटी टेस्ट? जो भी नंबर गिवन है आपको उसके लास्ट के 2 डिजिट देखनी पड़ती थी. तो हमारे पास नंबर गिवन है 572, इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है हमारे पास? 72. फिर आपको चेक करना है कि जो लास्ट के 2 डिजिट है क्या वो 4 से डिविजिबल है क्या. तो 72 जो होता है वो हमारा 4 से डिविजिबल होता है. जब ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है 572 ये भी क्या होगा? डिविजिबल होगा. किससे? किससे होगा? 4 से. तो 572 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. तो हम लिख देंगे कि जब 72 ही डिविजिबल है लास्ट के तो 572 जो पूरा नंबर होगा वो भी 4 से डिविजिबल होगा. ठीक है, तो 4 के लिए तो ये हो गई करेक्ट. अब चेक करनी है हमें 8 के लिए. तो 8 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट भी हम पढ़ चुके हैं. उसमें हम क्या करते थे? जो भी नंबर हमें गिवन है उसके लास्ट के 3 डिजिट देखते थे. तो यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट क्या है? ये हमारे पास जो नंबर गिवन है वो खुद 3 डिजिट नंबर है. तो यहाँ पर हम नंबर लेंगे 572. इसको इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 8 से. तो 572 को जब हम डिविजिबल करेंगे 8 से तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होता है. तो इसका मतलब 572 डिविजिबल नहीं है किससे? 8 से. तो ये 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8. तो इसी तरह से जो बाकी नंबर है उसमें हम डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाकर चेक करेंगे उनकी डिविजिबिलिटी किस किस के लिए? 4 और 8 के लिए. नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है 726352. इसकी हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 4 और 8 से. सो देखो 4 से चेक करने के लिए क्या रूल था कि हम उसके लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं. लास्ट के 2 डिजिट क्या है हमारे पास यहाँ पर? 52. अब चेक करेंगे कि हम 52 4 से डिविजिबल है या नहीं. तो यस, 52 जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है. जब 52 ही 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा. उसके बाद 8 से चेक करने के लिए क्या करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे. लास्ट के जो 3 डिजिट हैं उनको हम देखेंगे. तो लास्ट के 3 डिजिट हैं हमारे पास 352. तो 352 को हम जो चेक करना है कि क्या वो डिविजिबल है 8 से या नहीं. तो जो 352 होता है वो डिविजिबल होता है 8 से. आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो. तो डिविजिबिलिटी जब आप चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि डिविजिबल है या नहीं है. तो जब हम इसको डिविजिबिलिटी से चेक करेंगे 352 जो होता है वो 8 से डिविजिबल होता है. जब 352 ही 8 से डिविजिबल होता है तो दैट मीन 726352 की जो पूरा नंबर होगा वो भी 8 से क्या होगा? डिविजिबल होगा. ना इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको खुद से ट्राई करने हैं. आप जब 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे होंगे तो जो भी नंबर आपको गिवन है उसके लास्ट के 2 डिजिट पर आपको चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं. और अब जब अगर आप 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो तो लास्ट के 3 डिजिट लेंगे और 3 डिजिट चेक करेंगे कि वो 4 से 8 से डिविजिबल है या नहीं. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. 3 क्या है? यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6. इस बार जो हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है नंबर की वो किसके लिए चेक करनी है? 6 के लिए. कि जो गिवन नंबर है वो हमारा 6 से डिविजिबल है या नहीं. तो जब हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी थी हर एक नंबर के लिए तब तब वहाँ पर हमने 6 के लिए भी डिविजिबिलिटी पढ़ी थी. 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या तरीका था? कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. अगर नंबर 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. पर अगर वो 2 से डिविजिबल हो जाता है पर किससे भी हो पाता 3 से डिविजिबल नहीं हो पाता तो उस केस में वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा. कंडीशन क्या है कि 6 से अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. अगर उनमें से वो किसी एक से डिविजिबल नहीं हो पाया तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा. हमारे पास फर्स्ट एज नंबर गिवन है वो है 297144. ठीक है, इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे 2 से इसकी नंबर डिविजिबल है
दैट मीन्स ये जो पूरा नंबर होगा 297144 ये 2 से डिविजिबल होगा। अब हम चेक करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी, किससे चेक करेंगे, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते थे, जो भी हमें नंबर के डिजिट्स हैं उनका हम एडिशन कर लेते थे। क्या करते थे, एडिशन कर लेते थे, 2 + 9 + 7 + 1 + 1 + 4 + 4 जो भी नंबर आपको गिवन है सबका क्या कर दो, एडिशन कर दो। जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 27 आएगा। अब 27 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है, क्योंकि 3 9 से हमारे पास कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा 297144 ये 3 से भी डिविजिबल होगा। हमने कहा अगर नंबर 2 से डिविजिबल है, हमने कहा अगर नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब जो 297144 नंबर जो हमारा है वो किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। नाउ सी पर आते हैं, सी पर हमें नंबर क्या गिवन है, 4335। ठीक है, सबसे पहले इसकी डिविजिबिलिटी हम 2 से चेक करेंगे। तो 2 से चेक करने के लिए लास्ट का डिजिट देखना पड़ता है, तो यहाँ पर लास्ट का डिजिट क्या है हमारे पास, 5 है। तो जो 5 है वो कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर हम 2 की टेबल भी बोले तो हमारे पास क्या आता है, 2 4 6 8 12 14 16 18 और क्या आता है फिर 20। ठीक है, तो ये हमारे पास आते हैं 2 की टेबल बोलने पर। ठीक है, और 10 आ जाता है यहाँ पर 10। तो ये देखो सबकी लास्ट डिजिट क्या आती है, 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0। तो 2 इसका मतलब अगर हम 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए या 8 होनी चाहिए। यहाँ पर लास्ट डिजिट है 5, तो 5 तो कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि 5 की लास्ट डिजिट किसमें होती है, खुद 5 की टेबल में होती है। तो इसका मतलब 2 से ये नंबर जो होगा 4335 ये डिविजिबल नहीं होगा। उसी तरह से अगर हमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या करेंगे, सारे नंबर्स का एडिशन कर देंगे। सो 4 + 3 + 3 + 5 सबका एडिशन कर देते, कितना आया हमारे पास, सबको प्लस कर दो, 4 + 3 कितना होता है, 7 + 3 = 10 10 + 5 = 15 जो 15 होता है वो 5 3 की टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा पूरा का पूरा ये भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, पर यहाँ पर नंबर 3 से डिविजिबल है। हमने कहा था जो नंबर है जब उसकी हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं 6 से, तो वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। पर यहाँ पर वो 2 से डिविजिबल नहीं है और 3 से वो डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो जो नंबर हमारे को गिवन है 4335 ये हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट है आपको खुद से ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th है हमारे पास, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। इस बार जो हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है वो 11 से चेक करनी है। हमें नंबर गिवन है 5 4 4 5। तो डिविजिबिलिटी चेक टेस्ट जो हमने पढ़ा था वो 11 के लिए भी पढ़ा था। 11 के लिए क्या पढ़ा था कि अगर जो भी नंबर हमें गिवन है, ठीक है, उसमें सम करेंगे हम ऑड प्लेसेस का और सम करेंगे इवन प्लेसेस का, बाद में जाके उनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे और जो डिफरेंस आएगा है ना उसको चेक करेंगे। अगर डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, 0 आता है या 11 आता है, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं, इसमें सबसे पहले सम करेंगे ऑड प्लेसेस का। तो यहाँ पर ऑड प्लेसेस कौन कौन सी, 1 और 3 है ना, तो मतलब उस पर कौन कौन है, 5 और 4। तो 5 + 4 क्या हो गया हमारे पास, 9। इवन प्लेसेस का सम करेंगे तो 5 और 4 अगेन कितना आ गया हमारे पास, 9 आ गया। दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लो है ना, तो 9 - 9 कितना होता है, 0। तो अब 0 जो है, अगर हमने बोला कि हमारे पास इनका डिफरेंस फाइंड करने पर 0 आ जाता है या 11 आ जाता है, तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर हमें गिवन है 5 4 4 5 ये हमारा किससे डिविजिबल है, ये हमारे 11 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर हमें गिवन है, कौन सा गिवन है, 10824। इसका सम करेंगे ऑड प्लेसेस का, तो ऑड प्लेसेस का सम क्या आएगा हमारे पास, 4 8 और 1। तो 4 + 8 + 1 कितना आ जाता है, 13। ठीक है, उसी तरह से हम सम करेंगे इवन प्लेसेस का, तो कितना आ जाएगा, 2 + 0 दैट इज 2। दोनों का डिफरेंस फाइंड कर देंगे, 30 - 2 कितना होता है, 11। हमारे पास आ गया 11। तो इसका मतलब जो है 10824 वो हमारे किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल होगा। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3। ए हमें गिवन है ब्लैंक 6 7 2 4। क्या बोला है, हमें स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट इस ब्लैंक स्पेस में फिल करनी है ताकि ऐसा नंबर बन जाए जो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, हमें ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना है, एक तो स्मॉलेस्ट डिजिट
जिसको लिखने के बाद जब हम इन नंबर्स का सम करें तो वो 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो नंबर हमें गिवन है इनका हम सम कर लेते हैं, तो 6 + 7 + 2 + 4, जब आप इन सबका सम करोगे तो आपके पास कितना आया, 19। कितना जाएगा, 19। देखो स्मॉलेस्ट डिजिट बताएंगे और एक ग्रेटेस्ट डिजिट बतानी, एक तो स्मॉलेस्ट डिजिट बतानी और एक क्या बतानी हमको, ग्रेटेस्ट। 19 में मैं क्या प्लस करूँ कि मेरे पास जो सम बने वो 3 से डिविजिबल हो जाए। देखो हमको पता है कि 19 3 से डिविजिबल नहीं है, 20 डिविजिबल नहीं है 3 से, पर 21 डिविजिबल होता है 3 से, क्योंकि 3 7 21 होता है। तो मैं 19 में क्या प्लस करूँ कि मेरे पास जो नंबर बने वो 3 से डिविजिबल हो जाए, मैं इसको 21 बनाऊंगी, उसमें मुझे क्या प्लस करना पड़ेगा, 2 प्लस करना पड़ेगा, तो हमारी स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब देखो 21 जो है वो तो डिविजिबल हो जाएगा, किससे, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब तो 21 तो हो गया, उसके बाद सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट अगर मैं फाइंड करूँ तो हमारे पास ग्रेटेस्ट डिजिट में अगर मैं 19 में 1 प्लस करती हूँ, क्या करते हैं हम, अगर हम 19 में 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास सम बनेगा 27। क्या बनेगा, 27 बनेगा। अगर हम क्या 1 पुट करेंगे तो जो सम ऑफ डिजिट हमारे पास बनेंगे वो 27 बनेगा, और 27 जो है वो भी 3 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर हमारी ग्रेटेस्ट डिजिट क्या आ गई, 8 आ गई। स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई 2 और ग्रेटेस्ट डिजिट हो गई हमारे पास 8, ठीक है। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, जब इन दोनों को हम इसमें पुट कर रहे हैं तो हमारे पास जो सम बन रहा है वो 3 से डिविजिबल बन रहा है। तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो क्वेश्चन 6 क्या है हमारा, राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। हमें एक ब्लैंक स्पेस गिवन है नंबर्स के बीच में, एंड वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फिल दिस ब्लैंक स्पेस सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। हमें कुछ इस तरह से नंबर को यहाँ पर पुट करना है कि जो नंबर का सम बने, ठीक है, वो जो भी नंबर बने वो डिविजिबल हो 11 से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें ब्लैंक स्पेस गिवन है, उसको हम क्या लेट कर लेंगे, इसको हमने लेट कर लिया ए, क्या मान लिया, इसको हमने ए मान लिया, है ना। हम ये जानते हैं कि जब हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 11 के लिए तो उसमें हम सम ऑफ ऑड प्लेसेस करते हैं और सम ऑफ इवन प्लेसेस करते हैं और बाद में जाकर उनका डिफरेंस फाइंड कर देते हैं। अगर उनका डिफरेंस 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो गिवन नंबर हमारा 11 से क्या हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम सम चेक करेंगे कौन से डिजिट का, ऑड प्लेसेस का। तो ऑड प्लेसेस में आपको कौन कौन सी, 9 + 3 + 2, तो इनका सम कितना आ गया हमारे पास, 14 आ गया। ये हमारे पास कौन सी प्लेसेस हैं, ऑड प्लेसेस। उसी तरह से इवन प्लेसेस का सम फाइंड कर लेंगे, तो इवन प्लेसेस कौन कौन सी, 8, इसको क्या माना हमने, ए माना है, और क्या माना है, 8 + 8 + 9, ये कितना हो गया, 8 + 8 + 9, तो 8 + 9 कितना हो जाता है, 17 + 8। अब इन दोनों का डिफरेंस फाइन करेंगे तो इवन में से ऑड माइनस करेंगे तो 17 + a - 14, तो यहाँ पे 17 के साथ 14 को माइनस करोगे आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, तो 3 + 8। देखो जब हम डिफरेंस फाइन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है हमारे पास या तो वो 0 होना चाहिए या फिर वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम इसको अभी सबसे पहले जो डिफरेंस आए इसको हम इक्वल कर रहे हैं किसके, 0 के, किसके इक्वल कर रहे हैं, 0 के। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी -3, क्योंकि 3 वहाँ जब ट्रांसपोज होगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -3। कोई भी वैल्यू माइनस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी वैल्यू की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो तो वो वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब a की ये वैल्यू तो नहीं हो सकती, a की वैल्यू तो नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, 3 + a किसके इक्वल रखेंगे, 11 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 11 - 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 8 हो सकती है। तो यहाँ पर 8 की वैल्यू लिख देंगे हम, 8, ठीक है। इसका जो बी पार्ट है बिल्कुल इसी पैटर्न पर बेस्ड है, उसमें भी आपको ब्लैंक स्पेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप इसको देख के कर सकते हैं, आपने समझ लिया है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.3 खत्म होती है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करेंगे।